चलो ठीक है, वापस से स्टार्ट करते हैं बैंड रूल को। ये बैंड रूल है क्या, देखना समझना। एक्चुअल में क्या हो रहा था, इससे पहले शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। SP SP2 लिखते जाओ, फर्स्ट पॉइंट SP SP2, SP3 डी, SP3 D2 और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, सिमेट्रिकल है हर चीज, कोई ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था। लेकिन बट SP3 D इज अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। अनसिमेट्रिकल की जगह हम ये लिखें इज नॉट फुली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, फुली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। आप देख सकते हो SP3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या था, SP3 D में आपके पास ये रहता है, इसको क्या बोलोगे आप, इक्विटोरियल पोजीशंस, जबकि इसको क्या बोलोगे आप, एक्सियल पोजीशन। तो अब पॉइंट ये था सेकंड कि हमारे पास अब लोन पेयर डालना है, तो हम लोन पेयर कहाँ रखेंगे। तो द पोजीशन ऑफ लोन पेयर इज नॉट डिसाइडेड बाय नॉर्मल रूल्स, द पोजीशंस ऑफ लोन पेयर इज कैन नॉट डिसाइड बाय सिंपल रूल, सिंपल थ्योरी। हमें और थ्योरी की जरूरत थी और उसके लिए हमने बुलाया बैंड रूल। थर्ड पॉइंट, बैंड रूल शो द रिपल्शंस रिपल्शंस एंड अनस्टेबिलिटी, एंड स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट पोजिशंस ऑफ लोन पेयर इन SP3 D हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट, भाई इसने पहली बार कमेंट किया कि किस पोजीशन पे कितना रिपल्शन होगा और उसकी कितनी स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी होगी, किसने, बैंड रूल्स ने। तो हमें पहले तो हमने ये पढ़ा कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, फिर हमने ये पढ़ा कि बैंड रूल क्या करता है, अब कैसे करता है वो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो उसने कहा ओनली दोज रिपल्शंस आर काउंटेड, आर काउंटेबल इन विच बॉन्ड एंगल बिटवीन लोन पेयर वर्सेस लोन पेयर एंड लोन पेयर वर्सेस बॉन्ड पेयर इज 90 और लेस। यदि 90 और लेस है तो वो रिपल्शन को काउंट करो, बाकी को छोड़ दो। यानी अगर वो बॉन्ड एंगल 90 से ज़्यादा है, 120 या उससे भी ज़्यादा 180, तो उसे छोड़ दो आप, उसे हम काउंट नहीं करेंगे। और उसके बाद रिपल्शन काउंट करने के बाद लेस रिपल्शन स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, एंड देन लेस रिपल्शन स्ट्रक्चर लेस रिपल्शन स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। तो मुझे ये कहा गया कि कैसे मैं इसके अंदर नंबर ऑफ रिपल्शंस काउंट करूंगा, तो मैंने एग्जांपल लिया और फिर बताया आपको कैसे स्ट्रक्चर काउंट करेंगे अपन। देखिए
तीन पोजीशन थी, किसकी तीन पोजीशन थी, लोन पेयर की। आप अभी तक तो कोई लोन पेयर नहीं है, आप लोन पेयर कहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, और लोन पेयर कहाँ लगा सकते हो जल्दी से बताओ, इक्विटोरियल पे, यानी यहाँ लगा सकते हो। ये दो के अलावा कोई और पोजीशन थी सिंगल लोन पेयर के लिए, तो यही थी। तो मैंने एक लोन पेयर यहाँ लगाने की कोशिश की और एक यहाँ लगाने की कोशिश की, बस इसके अलावा और कोई पोजीशन नहीं थी। तो नंबर ऑफ रिपल्शंस, काउंटेड रिपल्शन कितने होंगे जिसको आप काउंट कर सकते हो, काउंटेबल रिपल्शंस, फर्स्ट लोन पेयर वर्सेस, ध्यान से सुनना, बॉन्ड पेयर कितने होंगे इसके साथ, एक दो तीन, मुझे तीन दिखाई दे रहे हैं, 90 डिग्री वाले काउंट करने, 90 डिग्री वाले कितने, 1 2 3, और यहां पर कितने मिलेंगे जल्दी से बताओ, 90 डिग्री वाले सिर्फ दो ही, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, वो बहुत ज्यादा है, ये हो जा रहा है 90 डिग्री और ये हो रहा है 90 डिग्री, तो दो हैं। तो कौन ज्यादा, किसमें रिपल्शन कम है, लेस रिपल्शन एंड सो मोर स्टेबल। तो थ्योरी क्या बना दी इसने, इसने कहा फर्स्ट लोन पेयर प्रेजेंट ऑन इक्विटोरियल पोजिशन, फाइनल रिजल्ट क्या रहा, द पोजिशन ऑफ ऑफ लोन पेयर इज इन ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इज इक्विटोरियल, इक्विटोरियल, ये इसने बताया। पहली बार हमारे को ये चीज समझ में आई कि इक्विटोरियल वाला ज्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल होगा, न कि लोन पेयर हम एक्चुअल में, इससे पहले हम एक्चुअल पे लगा रहे थे और आंसर गलत था। तो बैंड रूल हमारे को बहुत अच्छे से बता रहा है। फिर केस फर्स्ट, व्हेन वन लोन पेयर इज प्रेजेंट, केस टू व्हेन टू लोन पेयर आर प्रेजेंट। तो दो लोन पेयर है, आप दो लोन पेयर को क्या कर सकते हो, सोचो, आप दो लोन पेयर को, दोनों को आप कहां लगा दिया आपने, इक्विटोरियल, सॉरी एक्चुअल पे। अब आपने क्या करा, एक लगा दो आप एक्चुअल पे और एक लगा दो इक्विटोरियल पे, और फिर आपने एक और पॉसिबिलिटी रख दी कि दोनों को आप कहां लगा रहे हो, इक्विटोरियल पे। चलो इस पे रिपल्शन काउंट करो, काउंटेबल रिपल्शन कितना होगा, काउंटेबल रिपल्शन कितना होगा इसके अंदर, कितना होगा जल्दी से बताइए, 90 डिग्री वाले कितने दिख रहे हैं आपको, 1 2 3, 3 इसके साथ, 3 इसके साथ, 6 हो रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो काउंटेबल रिपल्शन कितने होंगे इसके अंदर जल्दी से बताइए, लोन पेयर वर्सेस बॉन्ड पेयर, 3 + 3 कितना हुआ, 6, 3 इसके ऊपर साथ, 3 नीचे वाले के साथ, दिख रहा है ना, 1 2 3 इसके साथ हो गए और 3 ही इसके साथ, टोटल कितने हो गए, 6। क्लियर है कॉन्सेप्ट, इसमें काउंट करो कितने हो रहे हैं, 1, ध्यान से सुनना, इसके साथ 2 और 3, पक्का। और तो यहां पर लोन पेयर वर्सेस बॉन्ड पेयर वाले कितने ने, लोन पेयर वर्सेस बॉन्ड पेयर, 1 2 2 + इसके साथ तो 2 ही है बॉन्ड पेयर बस, और इसके साथ कितना है, 1 2 + 1 3, और लोन पेयर वर्सेस लोन पेयर कितने, लोन पेयर वर्सेस लोन पेयर 1, तो टोटल कितने हुए,
ध्यान से देखो, लोन पेयर बॉन्ड, ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है, इसके लिए ये 90 है और ये 90 है, तो थ्री थ्री प्लस हाँ टू टू प्लस वन थ्री, और 3 + 1 4। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं समझ में आया? इसके साथ 90 डिग्री वाले कितने? 1 2 3। लेकिन ये तो कहलाएंगे बॉन्ड पेयर, तो दो तो बॉन्ड पेयर इसके साथ हो गए और एक लोन पेयर वाला। और इसके साथ कितने 90 डिग्री वाले बॉन्ड पेयर? एक लोन पेयर वाला तो ऑलरेडी अपन काउंट कर चुके हैं, तो टोटल कितने रिपल्शन है? 4। इसमें काउंट करो बैंड टूल में, लोन पेयर वर्सेस बॉन्ड पेयर, कितने होंगे इसके साथ? एक और ये दो, और इसके साथ एक और ये दो, तो 4 ही हो जाएंगे, 2 + 2 4, तो टोटल भी 4। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये, क्यों? इसमें भी तो 4 है, लेकिन इसमें लोन पेयर वर्सेस लोन पेयर का एक है, समझ में आ रहा है, जो डोमिनेट कर जाएगा। इसमें क्या है, लोन पेयर वर्सेस बॉन्ड पेयर वाले हैं, लोन पेयर वर्सेस लोन पेयर थोड़ा सा स्टार हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये, फिर ये और फिर ये। तो ए बी सी अगर आपके पास तीन स्ट्रक्चर है तो मोस्ट स्टेबल स्टेबिलिटी ऑर्डर सी, फिर बी और फिर ए। तो कमेंट क्या कर रहे हैं, मोर लोन पेयर ऑन इक्विटोरियल पोजीशन इज गिव्स मोर स्टेबिलिटी। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इज इक्विवेलेंट इक्विटोरियल, यानी कि जो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है यानी SP3D के अंदर जो लोन पेयर है इज इक्विटोरियल। यानी आपको अगर ट्राइगोनल बाय पिरामिडल लिखना दिक्कत आ रहा है तो SP3D लिख लीजिए, अब आपके डबल मीनिंग नहीं निकलेंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत? तो आपको बैंड रूल अच्छे से समझ में आ गया, तो लोन पेयर ऑक्यूपाइड इक्विटोरियल पोजिशंस इन SP3T हाइब्रिडाइजेशन, अगर एक है तो भी इक्विटोरियल, दो है तो भी इक्विटोरियल, थ्री है तो भी इक्विटोरियल। कोई डाउट? तो क्या नोट डलेगा आपके लिए, नोट क्या रहेगा यहाँ पर, इन SP3D हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर ऑक्यूपाइड इक्विटोरियल पोजिशन, इक्विटोरियल पोजिशन। पोजीशंस बस इतना सा आपको लिखना है, इक्विटोरियल पोजीशंस हटा दूं मैं, तो आपके पास ये चीज आ चुकी है। अब अगर हमसे पूछा जाए इससे रिलेटेड एग्जांपल, तो ऐसा हो सकता है कंपेयर कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ I3-, I3- की तीन स्ट्रक्चर बना रहा हूं, समझ में आ रहा है? पहली स्ट्रक्चर मैंने I ऊपर रखा, I नीचे रखा, माइनस यहां रखा, और हमारे लिए क्या हो गया, ये। दूसरा हमारे लिए I- हो गया यहां, एक आई मैंने यहां रखा और एक आई मैंने यहां रखा, तीन आई, दो आई हैं यहां रख दिए, एक आई तो सेंटर में रह गया रहेगा, और ये लोन पेयर, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, तीसरा मैं रख रहा हूं यहां, तो लोन पेयर एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, एक यहां हो गया। तो बताइए ए बी सी तीनों आई हैं, ये सेंटर वाला आई है, तीनों I3 है और तीनों I3- है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ए, फिर सही है,
तो यही इस बैंड रूल का खासियत है कि आपको कंपेयर करना बता दिया इसने। बी और सी के अंदर फिर देखते हैं अपन। सी के अंदर ये जो लोन पेयर के 90 डिग्री वाले आएंगे कॉम्बो, वो ज़्यादा आएंगे, और लोन पेयर वाले कॉम्बो 90 डिग्री वाले ज़्यादा डोमिनेट कर जाएंगे लोन पेयर बॉन्ड पेयर से। समझ में आ गई बात, लिखें इसको।